डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा एक पैराबोला है y = x² + 2 और एक स्ट्रेट लाइन है y = x और x = 0, x = 3 ऑर्डिनेट्स है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये चारों से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इसके लिए पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये पैराबोला का इक्वेशन किस तरह का है। न पैराबोला का इक्वेशन है x² = y - 2। इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होगा x का वैल्यू 0 का है कि x - 0² और ये y - 2 है तो 0, 2 और x का पावर इवन है यानी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस और हैविंग वर्टेक्स होगा 0, 2। और सेकेंडली कि अगर हमारा y का वैल्यू 2 से ये 0, 2 और y का वैल्यू 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से कम होने से RHS हो जाएगा नेगेटिव, LHS तो स्क्वायर है यानी पॉजिटिव होगा, यानी ये अपवर्ड होगा और हैविंग वर्टेक्स 0, 2 इस तरह से पैराबोला होगा। और एक हमारा है y = x लाइन कैसा होगा? y = x लाइन ये 45 स्लोप से ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा y = x लाइन। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में y = x लाइन होता है। तो ये लाइन होगा y = x लाइन और x = 0 क्या है ना, y एक्सिस का नाम ही x = 0 है। और x = 3 क्या होगा ना, ये हमारा x = 3 पैरेलल टू y एक्सिस और ओरिजिन से हमारा 3 डिस्टेंस में होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा ना, ये पॉइंट x = 3 तो होगा, x = 3 लाइन, तो x = 3 देन y होगा हमारा 9 + 2 = 11, ये 0.311 होगा। तो ये हमारा ओरिजिन हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ और ये c। हमको बाउंडेड रीजन तब क्या होगा ना, y = x लाइन, x = 0, x = 3 और ये पैराबोला, यानी हमको ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ए बी सी और इसको अगर डी मान लेते हैं तो ये पूरा एरिया माइनस ये एरिया कर देंगे। तो यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ AO DCB माइनस एरिया ऑफ द रीजन क्या होगा ना, OCD। इसका मतलब हुआ OCD, ओके, ये एरिया माइनस कर देंगे और ये पूरा एरिया माइनस ये एरिया। तो ये पूरा एरिया क्या है ना, बाउंडेड बाय दिस कर्व पैराबोला और ये एक्स एक्सिस। और यानी हम लोग स्ट्रिप अगर लेंगे तो स्ट्रिप ऐसे होगा, तो ये स्ट्रिप होगा, तो ये स्ट्रिप में क्या होगा ना, y dx और x का वैल्यू हमारा 0, x = 0 से x = 3 और y कहाँ से आएगा, y फॉर क्या होगा ना, हमारा पैराबोला से आएगा माइनस क्या होगा ना, हमारा होगा ये एरिया डॉटेड एरिया। तो डॉटेड एरिया क्या होगा ना, ये हमारा होगा y dx और जहाँ पर होगा 0 to 3 और y = x लाइन। तो इस तरह से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो 0 to 3 therefore required एरिया हो जाएगा 0 to 3 y from
पैराबोला, पैराबोला क्या है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स माइनस जीरो टू थ्री इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू का इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, और सभी का लिमिट वैल्यू क्या होगा ना जीरो से थ्री। तो डायरेक्ट हम लोग थ्री का एक्स इजकल टू अपर लिमिट थ्री बैठेंगे तो 27 बाई थ्री प्लस सिक्स माइनस नाइन बाई टू माइनस जीरो बैठेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, जीरो क्यूब दैट इज जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, जीरो स्क्वायर बाई टू जीरो, यानी हो जाएगा नाइन प्लस सिक्स 15 माइनस 9 बाई टू इज इक्वल टू 2 एलसीएम 30 माइनस 9 दैट इज 21 स्क्वायर यूनिट्स। ओके ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल होज वर्टिसेस आर माइनस वन जीरो वन थ्री थ्री टू। तो माइनस वन जीरो वन थ्री और थ्री टू, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारा माइनस वन जीरो ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से वन, ये वन टू थ्री, तो थ्री टू इधर वन टू थ्री टू और ये थ्री वन थ्री एक्स इज वन थ्री। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग इसका ये ए ये बी ये सी, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग पहले ये लाइन का इक्वेशन निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी का। तो यूजिंग फॉर्मूला For the line, for the equation of line passing through a x1, y1 and x2, y2 is क्या होगा ना y माइनस y1, y1 माइनस y2 by x1 माइनस x2 into x माइनस x1। ये हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे न, पहले ए बी का इक्वेशन निकालेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी क्या होगा इस y माइनस y1 दैट इज y माइनस जीरो, y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, x माइनस x1, माइनस माइनस वन दैट इज प्लस वन। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय माइनस टू, थ्री बाय टू x प्लस, ये वाई ए बी का इक्वेशन। वन ए बी का इक्वेशन, अब हम लोग इसको टू इक्वेशन टू रखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बी सी फिर निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ बी सी सिमिलरली क्या होगा न वाई माइनस वन, वाई माइनस थ्री, वाई माइनस थ्री और 3 माइनस टू वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस वाई माइनस थ्री एक्स माइनस वन और वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। ओके तो हो जाएगा दिस इक्वल टू वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस टू दैट इज वन, वन बाई माइनस टू माइनस हाफ एक्स
माइनस हाफ एक्स, माइनस हाफ एक्स और प्लस हाफ, प्लस माइनस थ्री, ये प्लस थ्री हो जाएगा, ओके, थ्री प्लस हाफ, दैट इज y इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ एक्स प्लस सेवन बाई टू, ओके। ये मेरा थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन थ्री। तो ए बी का इक्वेशन क्या हुआ, ए बी का इक्वेशन हुआ y इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स प्लस वन, बी सी का इक्वेशन हुआ y इक्वल टू माइनस हाफ एक्स प्लस सेवन बाई टू। अब ए सी का इक्वेशन निकालेंगे, ए सी का इक्वेशन, नाउ इक्वेशन ऑफ ए सी इज y माइनस वाई वन, y प्लस वन, y माइनस वाई वन दैट इज y माइनस जीरो, और y1 वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन। तो y इज इक्वल टू टू बाई फोर एक्स प्लस वन, दैट इज y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वन। ये हुआ फोर्थ इक्वेशन, जो कि y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वन, ओके। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी ए सी निकल गया। अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमको ट्रायंगल ए बी सी का निकालना है एरिया। तो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए हम लोग बी से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, बी से परपेंडिकुलर एक्स एक्स एक्सिस पर, तो हो जाएगा बी एल, और सी से परपेंडिकुलर सी एम, और हम लोग एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ए बी एल, ए बी एल प्लस ट्रेपीजियम ए बी एल एम सी माइनस ट्रायंगल, माइनस ट्रायंगल ए सी एम, ए सी एम। तो हमारा ए बी एल, ए बी एल हमारा का एरिया क्या होगा, ए बी एल ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एल, और उसके बाद हमारा बी एल एम सी, ये हमारा ट्रेपीजियम हुआ, ये ट्रायंगल हुआ। तो पहले हमारा ए बी एल का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ना, बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, और ये एक्स इक्वल टू माइनस वन से एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू वन, और ये हमारा एक्स इक्वल टू थ्री, ओके। तो हमारा होगा ट्रायंगल ए बी एल का एरिया होगा फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस वन टू एक्स इक्वल टू वन, और ये हमारा इक्वेशन होगा इसका, ये इक्वेशन वाई डी एक्स, तो वाई माने थ्री बाई टू एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस। अब हमारा आएगा बी सी एम एल, बी सी एम एल ट्रेपीजियम का, ये होगा वन टू थ्री, और यहाँ पर होगा y के जगह पर माइनस हाफ एक्स प्लस सेवन बाई टू डी एक्स, और माइनस ये ट्रायंगल का एरिया,
ट्रेंगल का एरिया होगा माइनस लिमिट वैल्यू होगा माइनस 1, 2, 3 वाई टी एक्स, वाई इज हाफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, ओके हाफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो अब इसका एरिया हो जाएगा तब दिस इक्वल टू 3/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स लिमिट वैल्यू माइनस 1 to 1 प्लस ये इंटीग्रल है प्लस माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 7/2 एक्स लिमिट वैल्यू होगा 7/2 एक्स 1, 2, 3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स माइनस 1, 2, 3। तो दिस इक्वल टू पहले अपर लिमिट 3/2 1/2 प्लस 1 माइनस 1 बैठाने से माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, ओके माइनस 1 स्क्वायर हाफ माइनस 1 दिस, ओके प्लस यहाँ पर होगा पहले 3 बैठेंगे तो माइनस 3 इसका 9 9/4 फिर होगा 7/3 21/2 माइनस 1 बैठाने से होगा 1/4 माइनस 1/4 प्लस 7/2 ओके माइनस 3 बैठाएंगे अपर लिमिट तो हाफ 9/2 प्लस 3 9/2 प्लस 3 और फिर माइनस 1 बैठाएंगे तो 1/2 माइनस 1 ओके। तो ये हो जाएगा 3/2 × 2 यानी 3 यहाँ हो जाएगा माइनस 9/4 माइनस 1/4 दैट इज माइनस 8/4 यानी नहीं माइनस 9/4 प्लस 1/4 दैट इज माइनस 8/4 यानी माइनस 2 माइनस 2 21/2 माइनस 7/2 दैट इज 14/2 यानी प्लस 7 प्लस 7 माइनस यहाँ होगा 9/2 माइनस हाफ दैट इज 9/2 माइनस हाफ दैट इज 8/2 यानी हाफ 8/2 यानी 4 और 3 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 4 ओके। तो हो जाएगा 7 × 3 = 10 10 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 तो 7 × 3 = 10 माइनस 2 माइनस 4 यानी 10 माइनस 6 यानी हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स ओके। ये मेरा आंसर रहा ये क्वेश्चन नंबर 4 ओके थैंक यू।